हेलो दोस्तों, वेलकम बैक ऑन माय चैनल। आई होप दोस्तों सब अच्छे होंगे। दोस्तों एक बच्चे का क्वेश्चन है करण का। इन्होंने पूछा कि सर जो बीटेक का अभी एडमिशन हुआ है उनका इंटरनल और फाइनल पेपर कब होगा। ठीक है, तो मैं बता दूँ जो भी अभी बीटेक में एडमिशन लिया बच्चा लेट के थ्रू उनका फाइनल पेपर दोस्तों जो सेमेस्टर का होता है वह जैन में कंडक्ट करवाए जाएंगे। ठीक है, तो अभी जो भी बच्चे HSTS के थ्रू किसी भी कॉलेज के अंदर जो भी प्राइवेट कॉलेज है, गवर्नमेंट कॉलेज है, सेमी गवर्नमेंट कॉलेज है, किसी में एडमिशन लिए हैं तो जो आपका फाइनल सेमेस्टर एग्जामिनेशन है दोस्तों वह जनवरी के मिड से करवाए जाएंगे। ठीक है, और जो आपके प्रैक्टिकल है दिसंबर के लास्ट में, और जो आपके सेशनल है जो नेक्स्ट मंथ में कंडक्ट हो जाएगा। ठीक है, आपके दो सेशनल होते हैं, फिर प्रैक्टिकल, फिर फाइनल पेपर मिड जैन से स्टार्ट होंगे। ठीक है, तो अभी आप अपने सेमेस्टर का देखो। ठीक है, फिर आप अपने जो अभी आपके क्लास टेस्ट होते हैं, जो भी छोटे छोटे टेस्ट होते हैं, तो कुल दो टेस्ट होते हैं। ठीक है, बीटेक के अंदर दो टेस्ट होते हैं जिसको हम लोग सेशनल से जानते हैं, तो एक दोस्तों नवंबर और एक दिसंबर में कंडक्ट होंगे। ठीक है, तो ये सेशनल आपके कॉलेज वाले डिसाइड करते हैं, और जो आपके मेन सेमेस्टर पेपर हैं ये बोर्ड की तरफ से बन के आता है कि कब होगा। जो भी टेंटेटिव डेट है सब कॉलेज का मिड जनवरी से पेपर स्टार्ट हो जाएगा। तो मेरे तरफ से सभी बच्चों को अभी से ही बताना चाहता हूँ कि आप लोग डिप्लोमा मत समझना। बीटेक का जो स्टडी है, सिलेबस है, बहुत कॉम्प्लिकेटेड है और काफ़ी हार्ड है, तो आप लोग अभी से पढ़ाई चालू रखो। ठीक है दोस्तों, तो यही इन्फॉर्मेशन देना था। आपके मेन पेपर मिड जैन में, प्रैक्टिकल दिसंबर में, और दो सेशनल होंगे, एक नवंबर एक दिसंबर में। सो थैंक यू टू ऑल बीटेक स्टूडेंट।